अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में बड़ा एक बड़ा हादसा हो गया यहाँ एक कंटेनर शिप यानी मालवाहक जहाज के टकराने से तीन किलोमीटर लंबा फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढह गया जहाज में चालक दल के सभी बाईस मेंबर भारतीय थे ये सभी सुरक्षित है बताया जा रहा है की चालक दल की सतर्कता की वजह ऐसी पुल आरोप सैकड़ों जाने बची है दरअसल चालक दल ने एन वक्त पर मैं ये डे कॉल दिया जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी आइए जानते हैं हादसे की पूरी कहानी क्या है मामला सिंगापुर के झंडे वाला मालवाहक जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था तभी बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया पुल कुछ ही सेकंड में लगभग पूरा ढह गया अधिकारियों ने बताया कि पुल ढहकर करीब 50 फीट यानी 15 मीटर नीचे ठंडे पानी में गिर गया हादसा अमेरिकी समय अनुसार सोमवार रात करीब एक कर मिनट का है अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही जहाज पुल के करीब पहुंचा वैसे ही चालक दल ने अलर्ट कॉलियन के एसओ एस कॉल दिया जिससे पुल की ओर बढ़ते लोगों को रोक लिया गया इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकी इस पुल के कई हिस्से अभी भी पानी में डूबे हुए हैं जहाज भी घटना स्थल आरोप ही मौजूद है इस जहाज पर अलग अलग रंगों वाले कंटेनर लदे हुए हैं इसके साथ ही बचाव अभियान चलाने के लिए अलग अलग विभागों की टीमें मौके पर मौजूद है गौताखोर नौकाओं विमानों और अन्य उपकरणों के साथ लोगों की तलाश की जा रही है इस जहाज का नाम डॉली है इसका मैनेजमेंट सिनर्जी मरीन ग्रुप के हवाले है कंपनी ने कहा है कि चालक दल के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है अधिकारियों ने बताया की इस हादसे के वक्त पुल पर आठ मजदूर मौजूद थे जो गड्ढों की मरम्मत का काम कर रहे थे अब इनमें से छह लोगों की तलाश की जा रही है दो लोगों को पहले ही पानी से निकाला जा चुका है एक मजदूर सही है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है उसे अस्पताल ले जाया गया है फिलहाल इस बात की अटकलें लगाई जा रही है की क्या कारों में अभी भी कोई फंसा होगा इस पर बाल्टीमोर के दमकल विभाग के प्रमुख जेम्स वॉलिस ने कहा की सोनार को पानी में वाहन मिले हैं लेकिन वे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते वही मैरीलैंड के गवर्नर वैस मुरे ने कहा की जाँच चल रही है जबकि राज्य परिवहन सचिव पॉल वीटफेल्ड ने कहा है कि अधिकारियों को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कार में फंसा हुआ था जहाज डॉली ने दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि जहाज में बिजली और अन्य समस्याएं आ गई हैं। इसलिए मै कॉल की वजह से हादसे को रोका जा सका हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिजली गुल होने का कारण क्या है सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने सीनर्जी मरीन ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि संतुलन खोने के कारण फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना से पहले मिनटों में जहाज को दो बार अंधेरा होते हुए दिखाया गया है टक्कर से पहले धुएं का एक उबार भी देखा जा सका है सिंगापुर के एमपी ने कहा कि डॉली ने अपनी आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत दुर्घटना से पहले अपने लंगर गिरा दिए थे ऐसा करने से आउट ऑफ कंट्रोल जहाज के मार्ग को धीमा करने में मदद मिल सकती है अधिकारियों ने बार बार कहा है कि आतंकवाद का कोई संकेत नहीं है अधिकारियों ने बंदरगाह को अगली सूचना तक बंद कर दिया है और यातायात -यात को डायवर्ट किया जा रहा है फिलहाल बचाव प्रयास जारी है अधिकारियों ने कहा है कि इस समय किसी भी जीवित व्यक्ति को ढूंढना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है मूर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नदी में जहाज से तेल रिसाव तो नहीं हुआ है श्रीलंका जा रहे इस जहाज का संचालन करने वाली कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने जानकारी दी है कि जहाज का चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है इस जहाज के चालक दल में 22 लोग शामिल हैं जो कि भारतीय हैं। कंपनी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जहाज से किसी तरह का प्रदूषित पदार्थ नहीं निकल रहा है इस घटना की जांच के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल इंसिडेंट रिस्पांस सर्विस को शुरू कर दिया गया है अमेरिकी परिवहन सचिव पीट बटगीग ने जोर देकर कहा कि बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज जो मंगलवार को ढह गया वो एक साधारण पुल नहीं था और अमेरिकी बुनियादी ढांचे के कैथेड्रल में से एक था ये पुल इतना पुराना था कि हम लोगों में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे इसे जल्दी सही करना आसान नहीं होगा हालांकि हम फिर मिलकर इसको तैयार करेंगे ये सोचकर कि ऐसा होता है ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली